ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं पावर वॉश सिमुलेटर। तो गाइज, इस गेम के अंदर अपने को जो है काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी और उनके ऊपर ना काफ़ी सारी मिट्टी लगी होगी और उसकी जो है काफ़ी मतलब गंदगी हो रखी होगी, उसकी आज अपने को जो है साफ़ सफाई करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर करियर में और देखते हैं कि आज अपने को सबसे पहले साफ़ किस चीज़ को करना है। आई थिंक सबसे पहले शायद तो मेरे को वैन को ही साफ़ करना है, क्योंकि वैन ही दिखा रहा है यहाँ पर और इसको क्लीन करने का मेरे को मिलेंगे यहाँ पर $150। मेरे पास अभी तुम लोग देख सकते हो $0.00 है, तो भाई अपने को करना पड़ेगा ये सारा काम वगैरह ताकि अपने पास पैसे आए और हम लोग नए नए पाइप वगैरह खरीद सके साफ़ करने के लिए, जिससे ना जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ग्रेट न्यूज़, फाइनली फाउंड अ वैन फॉर यू एट द ऑक्शन अंडर योर बजट। तो हम लोगों ने ये वैन को खरीदा है और इसको जो है साफ़ करके इसको बेचना पड़ेगा अपने को। वाओ नाइस, डोंट फ्रीक आउट व्हेन यू सी इट, इट लुक्स लाइक इट्स जस्ट बीन ड्रेज्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक, but that's a good thing, it meant no one else bid on it, the missed out underneath that hideous layer of gunk is your perfect workhorse engines a dream। अच्छा, ये हमारी वैन होने वाली है जिसको अपन लेके जाएंगे और जहाँ पे भी जाना होगा साफ सफाई करने के लिए वो इसको लेके जाएंगे अपने साथ में। ओह, समझ में आया अभी। There's even equipment in the bag, just needs a good hosing down and you are in business, you will certainly earn your pressure washing stripes getting this thing clean। तो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट जॉब और डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। डिटेल्स में ओके, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि क्या क्या गंदी चीज़ें हो रखी है, मतलब क्या क्या गंदा हो रखा है हमारी गाड़ी के अंदर, एंड ये हमारी वैन है। ठीक है, तो करते हैं गाइस स्टार्ट जॉब। सबसे पहला काम आज हमारी खुद की वैन का है, क्लीनिंग करने का काम है। करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू, एंड ये हमारे हाथ में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पिचकारी दे दी है, जिससे अपन ने हमारी पूरी की पूरी इस वैन को साफ करने वाले हैं भाई साहब। नाइस, और अपन आर से जो है नोज़ल को भी रोटेट कर सकते हैं, दैट इज़ नाइस। ई दबा के जो है अपन आई थिंक प्रेशर वगैरह नोज़ल वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अभी 1, 2, 3, 4 नोज़ल हैं यहाँ पर। ट्राई करके देखते हैं कि इससे क्या होता है भाई। ओह, इससे ज़्यादा दूर तक का फैल रहा है ना ये। हाँ ओके, रुको, अगर मैं 2 दबाता हूँ तो यहाँ से डायरेक्टली भी मैं स्विच कर सकता हूँ। ये 15 का है और ये 40 डिग्री का है, ये देख रहे हो, ये ज़्यादा प्रेशर दूर तक छोड़ रहा है और बाकी लॉक पड़े हुए हैं आई थिंक। अच्छा, ये ना वो है जिससे मतलब शॉप वगैरह जो होती है ना, जो भी बोलते हैं उसको और लेफ्ट कंट्रोल से अपन, एक सेकेंड, ओह नीचे बैठ सकता हूँ मैं लेफ्ट कंट्रोल से। नाइस, स्पेस से अपन जंप कर सकते हैं। ओ भाई साहब, दैट इज़ नाइस। चलो एक बार जो है मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ ताकि तुम लोग को जो है मेरे एक मिनट गाइस, ताकि तुम लोग को पैसे वैसे भी दिखते रहे भाई यहाँ पर। एंड या अभी जो है टैब दबाऊंगा तो यहाँ पर डर्ट दिखेगा अपने को क्या क्या साफ़ करना है एक्चुअली में यहाँ पर। ठीक है, तो देख रहे हो भाई पूरी ज़्यादा ही गंदी हो रखी है अपनी वैन, तो इसको क्लीन करते हैं। सी से अपन एम मोड भी कर, ये तो मस्त चीज़ है यार, लेकिन आई थिंक इससे बढ़िया जो है यही है भाई, इससे बढ़िया मैं यही कर लूँगा। एंड ESC दबा के मैं अपना टैबलेट खोल सकता हूँ, जिसके अंदर हमारी सारी सारी डिटेल्स दे रखी है कि क्या क्या गंदा हो रखा है, इसको साफ़ करना है अपने को और इसका इतना पैसा मिलेगा। इंडिकेटर में सिर्फ एक ही साफ़ किया है अभी तक मैंने। वाओ नाइस, तो अपन यहाँ पर इंडिकेटर साफ़ कर लेते हैं पहले। एंड आई थिंक अभी जो है इंडिकेटर, एक सेकेंड, इंडिकेटर चेक करता हूँ, इंडिकेटर का दोनों काम हो चुका है, हेडलाइट अपन क्लीन कर दी है। नाइस, एंड यहाँ पे इन्वेंटरी खोल के मैं चेक कर सकता हूँ मेरे पास क्या क्या है। पावर वॉशर में सिर्फ एक ही है जो कि थोड़ा सा लोकल टाइप का है, बट धीरे धीरे करके जब हमारे पास पैसे आएंगे तो अपन महंगा वाला भी यहाँ पर खरीद लेंगे। ठीक है, तो अभी तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटेंशन भी इसका एक ही है और क्लीनिंग लिक्विड अभी अटैच नहीं कर रखा क्योंकि हमारे पास है नहीं, और 17% मैंने क्लीनिंग कर दिया यहाँ पर अभी, दैट इज़ नाइस। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना ज़रा मैं नोज़ल स्विच करता हूँ इसका, आई थिंक इससे ज़्यादा जल्दी क्लीनिंग हो जाएगी इसकी, है ना भाई साहब। और अपन आर से रोटेट कर सकते हैं, नाइस वन भाई, इसको पूरा का पूरा चमका देंगे। चलो ये बम्पर का काम तो हो चुका है, अच्छा सॉरी, बोनेट का काम हो चुका है, बम्पर तो नीचे है ना एक्चुअली, सॉरी सर माय बैड। बम्पर को भी क्लीन कर देते हैं अपन यहाँ पर, एंड ये भी मैंने चमका दिया है। कितना बचा है बे, ओके रुको जरा, थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी भाई इसकी मेरे को। वेल गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने को इसकी सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई मज़ा तो बहुत आने वाला है इसके अंदर साफ सफाई करने में, मतलब भाई क्लीनिंग करके रहना चाहिए भाई सारी चीज़ों को, वो अलग बात है मैं क्लीनिंग नहीं करता अपने, क्या मतलब यार अपन गेम के अंदर तो कर ही सकते हैं। ओके एक सेकेंड रुको सर, यहाँ पर दिखा भी रहा है कि बॉडी कितनी ज़्यादा वो हो रखी है, आई मीन साफ हो रखी है। यहाँ पर मैं 2 दबा के, एक सेकेंड को, ये 40 डिग्री वाला जो है ज़्यादा दूर तक का प्रेशर छोड़ता है। ओह ओके, लेकिन इससे ज़्यादा साफ़ नहीं होता है एक्चुअली में देखा जाए तो, तुम देख रहे हो नोटिस करोगे तो इससे ज़्यादा साफ़ हो नहीं रहा, देखो पूरा का पूरा छूट जा रहा है भाई इससे। नहीं, मेरे को ये तो नहीं करना, मेरे को आई थिंक यही वाला यूज़ करना पड़ेगा मे बी, इससे ही ज़्यादा जल्दी क्लीनिंग हो जा रही है इसकी आराम से, इसलिए सो
यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम साफ चमका देंगे भाई इस वैन को। हमारी वैन होने वाली है भाई, पर्सनल गाड़ी अपनी ये। चलो इसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ पर एंड नाइस, इसको यहाँ पे खिड़की भी साफ़ कर देते हैं इसके पूरी की पूरी। चमक गई कि नहीं चमकी भाई, कितना अबे कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है भाई। चलो ये भी क्लीन हो चुका है अभी एंड यहाँ से भी क्लीन करना शुरू कर देते हैं इसको। भाई काम करने में मज़ा तो आ रहा है, देख रहे हो तुम जो आवाज़ आ रही है इसकी, भाई सेटिस्फाइंग है काफ़ी काम करने में तो। चलो इसको भी क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर टायर भी क्लीन कर दिया है और इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है भाई। इसकी बॉडी चमकानी पड़ेगी अपने को, टायर तो मैंने चमका दिया पूरा का पूरा। ये पीछे का बम्पर भी जो है यहाँ पर क्लीनिंग कर देते हैं इसकी भी। और एक सेकंड, चमक क्यों नहीं रहा भाई ये? अच्छा नीचे, ओह हो, मेरे को ना आई थिंक नीचे बैठ के करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा। ओह ये देख रहे हो, ये देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है नीचे से ये। चलो इसको मैंने यहाँ पर चमका दिया है पूरा पूरा, देख लेता हूँ। हाँ नीचे से भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है गाड़ी तो, कसम से भाई। चलो एक बार काम करता हूँ, इसमें स्विच कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा इसमें ना। चलो यहाँ क्लीन कर लेते हैं एंड ये टायर भी चमका दिया मैंने भाई। लेट के काम करना पड़ रहा है, देख लो भाई लेट के काम कर रहा हूँ भाई मैं। एक बार देखो तो सर, टायर में थोड़ी बहुत मिट्टी अभी बची हुई है। आई थिंक नीचे का टायर तो पूरा हो चुका है वैसे काम, उसका कोई सीन नहीं है। अरे हट जाना, एक सेकंड पूछ रहा। ओ भाई, ओ इसके ऊपर चढ़ के मेरे को यहाँ ऊपर का भी काम करना पड़ेगा भाई। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का काम नहीं है अगर इस तरह से देखा जाए तो। अगर पूरा क्लीनिंग का काम, देयर इज रिमूवल्स वैन आउटसाइड माई नाइटमेयर नेबर्स प्लेस, दे आर फाइनली गोइंग, whoever moves in there is gonna need a quality pressure water, I mean pressure washer। हैं क्या हो गया भाई इसको, फालतू में बकवास पहले जा रहे इधर साइड में हैं रुको जरा अपन ऊपर की भी इसकी बॉडी साफ कर देते हैं पूरी की पूरी, एकदम चमका देंगे भाई। ये अपनी पर्सनल वैन होने वाले तो भाई करना ही पड़ेगा अपने को क्लीनिंग के लिए ना, जॉब वगैरह लेके जाएंगे तो उसी को लेके जाना पड़ेगा अपने साथ में। यहाँ से कुछ इस तरह से रोटेट करना है, आराम आराम से यहाँ पे काम करने का है, इस तरह से कुछ नहीं करना भाई, आराम आराम से बस। देख रहे हो पूरा एकदम पानी के निशान में छुप चुके हैं भाई, चमकने लगी है अभी, तुम देख रहे हो गाइस चमक रही है भाई अपनी वैन पूरी। एक मिनट भाई, इस साइड से कुछ ज़्यादा मिट्टी नहीं भरी हुई इसके अंदर भाई साहब? रुको इसके भी क्लीनिंग करनी ज़रूरी है यार, कितनी मिट्टी भरी हुई है इसके अंदर, कसम से भाई। चलो ये क्लीन कर दिया मैंने, हो रहा है ना क्लीन तो हो रहा है ना ये? एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ अच्छे से, क्लीन हो तो रहा है मेरे हिसाब से, ये बॉडी में ही आ रहा है ना ये वाला पार्ट भी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक काम करता हूँ रुको, इसको रोटेट करके ना पहले जो है ये वाला पूरा चमका देता हूँ ठीक है। ये देखो यहाँ पे पावर वॉश सर्विसेज लिखा हुआ है, तो अपनी पर्सनल गाड़ी है तो कंफर्म ही हो चुका है एकदम पूरा। यू गोना गो विद दैट बिजनेस नेम और डू यू नीड मी टू थिंक सम अप? आई एम फेनोमिनल, आई थॉट अबाउट, आई मीन आई थॉट अप ग्राउटिंग थॉमस फॉर द टाइलर एंड सीज नेवर लुक्ड बैक ऑन रिफ्लेक्शन, बॉनी टाइलर माइट हैव बीन अ बेटर फिट। यहाँ का मैंने विंडो भी साफ़ कर दिया और जो दरवाज़ा था ना इसको भी पूरा पूरा साफ़ कर दिया। और ये सामने की विंडशील्ड देख रहे हो तुम लोग, इस विंड स्क्रीन को देखो गाइस, इसको तो पूरा का पूरा एकदम चमका दूंगा भाई। इसके लिए मेरे को आई थिंक बढ़िया वाला चाहिए रहेगा, ये जीरो वाला। ओ अच्छा, जीरो वाला उसके लिए है जो लाइनें इसी होती है ना, जिससे लाइनें वाइनें रहती हैं इसके अंदर साफ़ करने का होता है शायद से वाला। ये तो मस्त चीज़ है भाई, लेकिन इससे यार बहुत स्लोली काम हो रहा है अगर देखा जाए तो ना। चलो ये वाली विंड स्क्रीन भी मैंने साफ़ कर दिया पूरी, ये साइड वाला जो विंड क्या विंग क्या बोलते हैं इसको, विंग मिरर बोलते हैं। अच्छा भाई चलो इसको भी चमका देता हूँ यहाँ पर एंड ये भी साइन भाई साहब साइन मार रहा है। चलो इसको भी, अरे अरे ना टेबल बीच में आ रखी एक तो मेरे, रुको जरा ये वाली विंग मिरर क्लीन कर दिया मैंने और 94% क्लीन हो चुकी है, $29 मेरे पास हो चुके हैं अभी। टायर वायर अबे चल, टायर भी चमकने लग गया है अभी एंड ये वाला बम्पर क्लीन नहीं हुआ क्या भाई? उसको मैंने पूरा क्लीन तो कर दिया था। अच्छा नीचे से बचा हुआ है, चलो ये भी क्लीन हो चुका है अभी। बॉनेट बचा हुआ है क्या? ओ ये बचा हुआ है, रुको तो इसमें क्या बचा हुआ है, थोड़ा साइड साइड में पिचकारी मार देते हैं भाई इसमें भी। ये क्लीन कर दिया है एंड ये हेडलाइट भी हो चुकी है। क्या बचा हुआ है इसके अंदर ऐसा? एक सेकंड जरा मैं इसको लेट के साफ करूँगा भाई ऐसे। ओ ये हो गया हो गया हो गया, 94% कर दिया मैंने भाई। ये कितना बचा हुआ है अभी भी? अबे इसको इस तरह से करता रहूँगा तो इसमें तो भाई दिन लग जाएंगे। अच्छा मैं राइट क्लिक अगर दबा के रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारा काम करता रहता है, मतलब पानी चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, मेरे को लेफ्ट क्लिक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे माउस हिलाना है इसमें। नाइस, ये तो ज़्यादा बढ़िया है भाई मेरे को लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना पड़ रहा था इतनी देर से। चलो ये भी क्लीन हो चुका है, ये दरवाज़ा भी क्लीन हो चुका है। नाइस, टायर बचे हुए हैं क्या? एक मिनट, टायर तो मैंने क्लीन कर दिया है ना, लेकिन सारे के तो पूरे हो गए थे जितना मुझे लग रहा है। एक सेकेंड, ओके ये बचा हुआ है शायद से मेरे हिसाब से, ये वाला भी हो गया एंड ब्रेक लाइट बची है। रुको
ब्रेक लाइट में ये भाई पूरा 100% क्लीन यहाँ पर हो चुका है। $150 मेरे को यहाँ पे मिल चुके हैं और 5 स्टार का मैंने पूरा काम कर दिया है। इज़ दिस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर पावर वॉश? आई गॉट योर डिटेल्स। चलो पढ़ने तो दो भाई। हेलो, चलो अभी जो है ये वाले जॉब फिनिश करते हैं। भाई हम लोगों ने चमका दिया भाई इस वैन को, देख रहे हो गाइस, पूरा क्लीन कर दिया। एक सेकेंड, ये क्या शॉर्ट में दिखा रहा है क्या मैंने जो काम किया है? ठीक है, $150 मेरे को इसके मिल चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर अभी जो है क्लीन द बैक गार्डन। तो कहीं पीछे का कोई गार्डन क्लीन करना है, वॉलनट स्ट्रीट और मकिंगम। ओके ठीक है, तो $450 मिलेंगे। मुझे लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा बड़ा काम होने वाला ही है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, मज़ा आएगा क्योंकि भाई काम तो करने में मज़ा आ रहा है और पैसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है यहाँ पे। हे डॉग, आई होप यू लाइक अ चैलेंज बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आई गॉट द डर्टीएस्ट बैकयार्ड यू एवर सीन। कैल्विन मिलर, ओके, दैट्स नॉट मी ब्रेगिंग बाय द वे, आई हैड नथिंग टू डू विद इट, आई हैव जस्ट मूव्ड बैक टू टाउन फॉर अ बिट टू हेल्प माई फॉक्स हु आर बोथ डाउन टू देयर लास्ट नी एंड रेंटेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट लिटल प्लेस, शुड हैव क्वेश्चन वाई देयर वरंट एनी गार्डन पिक्स इन द एड दे मस्ट हैव। अच्छा मतलब इन लोगों ने क्या किया ना कि ये यहाँ पर मूव हुए, मतलब अभी ये लोग जस्ट यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने इनको रेंट पे दिया है ना उन्होंने कोई गार्डन की फोटो नहीं लगाई यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता कि भाई बहुत गंदी हालत हो रही है इस जगह की, इसलिए दे मस्ट हैव ब्रेड राइनोज हियर और समथिंग। ओके, जू टाइप का कुछ तो बना रखा है यहाँ पे। ओके, एनीवे माय गर्ल्स आर इचिंग टू गेट आउट देयर एंड आई डोंट वांट देम स्टिल इचिंग देन दे गेट बैक इनसाइड, सो प्लीज डू योर थिंग, थैंक्स अ लॉट कार्ल। ओके ठीक है भाई, $450 दे रहा है तो, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा है भाई ये तो। ओके सर, डिफॉल्ट कंट्रोल्स में आई थिंक सब कुछ मेरे को पता लग चुका है। स्विच नोजल, ओह एक सेकेंड, अच्छा मैं इससे भी स्विच कर सकता हूँ क्या? चलो ये तो बढ़िया चीज़ है, मेरे को पता नहीं था, अभी देख लिया मैंने सही टाइम पे कंट्रोल्स वगैरह। एंड ओके, तो सबसे पहली चीज़, इसके बाहर नहीं जा सकता क्या मैं? ठीक है, इसके बाहर नहीं जा सकता। तो ये है इसका गार्डन जिसकी भाई कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी है। तुम देख सकते हो ये गार्डन गार्डन नहीं है, ये पूरा मिट्टी का। अबे एक सेकंड, दीवारें भी ख़राब हो रखी है भाई साहब। ओके, इसमें अपने लगने वाले हैं, मैं डैम श्योर हूँ अबाउट दिस ब्रो। रुको ज़रा, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले एंड यार रोटेट करके अपने को काम करना पड़ेगा इसके अंदर। सबसे पहले अपन जो दरवाजे और दीवार का काम निपटाएंगे, ठीक है, सबसे ईजी होने वाला हमारे लिए। इसलिए एक मिनट रुक जाओ, क्या मैं नोजल अगर स्विच कर लूँ? और आई थिंक क्लोज रेंज में ना ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इसलिए तो आई थिंक ऐसे ही काम करना बढ़िया रहेगा अपने लिए। टैब दबा के देख लेता हूँ, कुछ बच तो नहीं रहा ना। ठीक है, मतलब इजी, अगर क्लोज रेंज में अपन काम करेंगे तो अपना आराम से हो जाएगा सारा सारा काम यहाँ पर बिना कोई हरकतों के। सो या इसको यहाँ पर लगा देते हैं पूरा का पूरा एंड ये भी क्लीन हो चुका है इधर। और कुछ बचा है यहाँ पे? अच्छा साइड से बचा हुआ, ठीक है, दरवाज़ा यहाँ पे क्लीन हो चुका है अपना। ठीक है, अभी जो है मेरे को जो पहले थोड़ा साइड से इसको कर देता हूँ भाई, लेकिन कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तुम लोग देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा क्लीनिंग का काम है भाई यहाँ पर। सो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ थोड़ा, इस तरह से करेंगे इसको काम। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो है इसमें क्लीन करते रहेंगे अपन। इधर का हो गया पूरा, ठीक है, एंड भाई कुछ ज़्यादा ही काम है लेकिन। चलो एक काम करता हूँ, एक ना ज़रा थोड़ा इधर उधर ना लाइन मार देता हूँ एक बार मैं इसकी, मतलब पूरी के पूरी ऊपर का हिस्सा कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कर दिया ना तो फिर ईजी पड़ जाएगा मेरे लिए नीचे का काम करना, इसलिए तो ये कर दिया मैंने। ठीक है, अभी क्या है ना, मैं आराम आराम से जो है ऐसे पिचकारी मार सकता हूँ यहाँ पर। ये काम करने मज़ा तो आ रहा है लेकिन डोंट टेल मी साइड से बचा हुआ भाई साहब, काम हद से ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर भाई। रुको, क्या मैं नोजल स्विच कर सकता हूँ? और ये वाला लगा के देखते हैं ना, इसमें कुछ गंदगी बच रही है क्या? हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा डर्ट बच रहा है यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी क्लीनिंग हम पे शुरू कर देते हैं अपन भाई, बहुत इजी काम है अपने लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बस पिचकारी मारने खड़े हो गए भाई। एक सेकेंड रुको, कुछ इस तरह से ज़्यादा बढ़िया रहेगा यार, ये काफ़ी ज़्यादा है ना वैसे बेकार सा यार, ये नोजल का प्रेशर बहुत कम है यार, आई नो पिच थोड़ा वैसा टाइप का इसलिए, पर ठीक है। चलो यहाँ पे इसका क्लीन कर देते हैं अपन एंड इधर का हो चुका है, आराम आराम से लेके चलते हैं यहाँ से। पर तो पूरी कर दिया मैंने लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है भाई यहाँ पर। जितना कर रहा हूँ भाई उतना ज़्यादा काम है यहाँ पर, मेरे को कुछ नहीं करना, बस मेरे को नोजल जो है ना होल्ड करके बस इधर उधर वो करना है, इसको रोटेट करना और कुछ नहीं करना, बाकी काम तो अपने को बस माउस को इधर उधर करने का है। एंड यहाँ पर हमारी दीवार का जो काम है भाई वो तो पूरा हो चुका है। नाइस वन, फाइनली भाई दीवार देख रहे हो कैसे चमक रही है भाई पहले से तो, लेकिन अभी तुम देख सकते हो अभी बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। अभी ने काम करते हैं, पहले डॉग हाउस को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को, इसलिए सबसे पहला जो काम है वो है डॉग हाउस को फिनिश करने का। एंड ये अपन ने पूरा कर दिया, इधर भी इसका छत का जो काम है वो भी निपटा देते हैं यहाँ पर, इधर का काम हो चुका है, इसके बाद में थोड़ा पीछे से बचा हुआ है ये, और इसको भी यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। नाइस वन, ज़्यादा टफ तो है नहीं, ईजी है भाई काम तो।
लेकिन एक सेकंड इसके भाई दो दो लेयर है क्या साफ करने के इसके ऊपर? हेलो भाई बहुत ज़्यादा काम है कसम से भाई। यार कितना साफ करूँ बे, अबे चमक ही नहीं रहा भाई वो तो। रुको जरा अभी अभी देखते हैं क्या सीन है इसका। आराम आराम से करना पड़ेगा आई थिंक मेरे को इस वाली जगह का तो काम ना। चलो ये चमका देते हैं इधर, ये चमक जा चमक जा चमक जा भाई। चलो चमक ही नहीं रहा भैंस की किसकी। कितना काम है भाई। अभी इसके लिए क्या मेरे को वॉशिंग पाउडर लेकर आना था क्या? मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, एक मिनट आई थिंक मेरे को लोअर वाला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना साफ हो ही नहीं रहा है भाई। रुको इस वाले से आई थिंक हो जाए शायद से, वो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ इस वाले से हो जाएगा साफ। चलो इस यहाँ पर आई थिंक डॉग का हाउस जो था वो भी क्लीन मैंने कर दिया है लगभग। पूरा हुआ कि नहीं मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आ रही है इसमें, क्योंकि साला पूरा होने के बाद चमकता है ना तो चमक नहीं रहा है वो वाला जो शाइन मारता अचानक के बीच में। आई डोंट नो ये क्लीन हुआ है कि नहीं, बिल्कुल जरा लेट के साफ करके देखते हैं भाई शायद से हो जाए क्लीन। भाई क्या सीन है इसका, चमक क्यों नहीं रहा है ये? ओके इधर से पूरा शाइन करने लग, अबे शाइन तो कर ही नहीं रहा लेकिन एक बार के लिए शाइन मारता है ना, वो शाइन नहीं मार रहा है ये डॉग। इसका वॉट इसका जो बाउल है ना सिर्फ वो शाइन किया है अभी तक। डॉग हाउस का रूफ बचा हुआ आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर अगर तुम लोग देखोगे तो ऊपर का काम बचा हुआ है। रुको क्या बचा हुआ है ऊपर में भाई, ऊपर में क्या बचा हुआ है वे? तो फाइनली भाई मैंने डॉग हाउस का जो काम था वो पूरा कर लिया है भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा लाइक डिटेल्स में ना मेरे को साफ करना पड़ता है हर एक चीज़ को इसलिए। ओके सो अभी देखते हैं क्या क्या क्लीन। ये तो पूरा क्लीन हो चुका है अपना, दीवारें पूरी हो चुकी हैं एंड अभी मेरे को जो पूरा पाथ क्लीन करना पड़ेगा और इधर की भी दीवार बची हुई है यार। ओके सो अपन काम करते हैं दीवार का, पहले काम कर ही लेते हैं भाई। दीवार का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए इसलिए। अभी जो इसका काम सीख चुका हूँ गाइस, अभी मैं उसको जल्दी जल्दी करने वाला हूँ ठीक है। ये देख सकते हो तुम लोग, ये देखो ऐसे ऐसे करेंगे भाई। ओ ये वाला तो बहुत बढ़िया है सीन है। रुको ये देखो गाइस, अभी मान के चलो कि मैं ऐसे बैठा हुआ ठीक है, मैंने एम करके रख दिया बस अभी। और ये देखो अब पिचकारी मारनी और कुछ नहीं करने का अपने को, बस ये लो भाई ये देखो ईजी पीजी लेट्स गो। इधर करने का एक जगह खड़े होकर सारा काम हो जाएगा भाई। नाइस इसको जल्दी जल्दी पिचकारी मारनी है ऐसे एंड ये जैसे इन रियल लाइफ अपन करते हैं ना वैसे हरकतें कर रहा हूँ मैं। इसको भी कर देता हूँ साफ, ये हो गया पूरा एंड ये वाली दीवार भी पूरी हो चुकी है लेट्स गो। एंड यहाँ पर रुक जाओ जरा एक बार कैमरा चेंज कर दूँ मैं। चलो इसको जो है यहाँ पर पिचकारी मारना शुरू कर देते हैं। एक सेकंड ये वाली दीवार पूरी नहीं हुई ना, साफ तो हो जानी चाहिए पर हुई नहीं पता नहीं क्यों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये देख रहा भाई कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी वाली जगह। अभी देखना इसको कितना चमका दूंगा भाई एकदम मैं। ये ले भाई पूरी पिचकारी ले तू इन्जॉय कर, इसको भाई पूरा शाइन करूँगा। रुको अभी देखो तुम बस। एंड ये भी अभी क्लीन नहीं हो रहा लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें क्लीन होने में। अच्छा इसमें तो थोड़ा साइड की डिटेल पे मेरे को फोकस करना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है समझ गया। रुको एक मिनट रुको जरा गाइस, मेरे को आई थिंक लेट लाट के करना पड़ेगा सारा काम वगैरह। पानी तो कभी ख़त्म होता नहीं होगा इसके अंदर, अनलिमिटेड वाटर होगा मेरे हिसाब से तो। ये कहाँ का दिखा रहा है? अच्छा वो अच्छा मैं समझ गया क्या सीन है, क्यों नहीं हो रहा मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि ना यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो पीछे की साइड में भी है, वो इसलिए क्लीन नहीं हो रहा था। अच्छा अभी देखना, ये देख रहे हो अभी क्लीन हो चुका है वाला पार्ट। इसी तरह से मेरे को बस इसको पिचकारी मारनी और कुछ नहीं करना, ये भी साफ़ हो जाएगा। रुको अभी ये देखो अभी कर देंगे इसको भी साफ़ भाई। ये हो गया इधर एंड ये भी पूरा क्लीन हो चुका है, दैट इज़ नाइस। चलो इसको भी इधर पीछे की साइड से पहले क्लीन कर देता हूँ फिर आगे से कर दूँगा जाके ठीक है। ये हो गया इधर, ये इधर हो गया, ये भाई अच्छे से करेगी अपने आप कर देगा ऐसे मेरे हिसाब से तो। रुको बस ऐसे पिचकारी मारनी है हल्की हल्की सी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा अपना। चलो अभी जो है यहाँ से निकलते हैं एंड इधर का जो काम है ना ये कर लेते हैं। चलो यहाँ तो कुछ नहीं करना, बस पिचकारी मारनी है ऐसे फिर क्लीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली सारा देगा अभी देखना। ओह ये तो मस्त चीज़ है, अभी देखना है ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से हो तो जाना चाहिए क्लीन प्रोबेबली, लेट्स गिव द ट्राई एक बार। नहीं हो रहा क्या? अच्छा मेरे को पूरा ही साफ करना पड़ेगा शायद से। भाई क्या सीन है इसका, इधर का तो नहीं हुआ। आई थिंक मेरे को पूरा अच्छे से चमकाना पड़ेगा तभी क्लीन होएगा यार, ये तो थोड़ा सीन है भाई इसके अंदर तो। फ्लोर इन एंड वो क्लाइंब अप द डाउन, क्या भाई इनका क्या चल रहा है, ग्राउंड में खेल रहे हैं क्या लोग? ग्राउंड में तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को इनका। एंड इधर का भी चमका देता हूँ, क्या सीन है भाई। डर्ट तो क्लीन कर दिया मैंने इसे। ओ हो गया हो गया हो गया हो गया फाइनली हो गया। ये वाला जो फैंस का पोस्ट है ना भाई ये बचा हुआ है, जरा इसको मैं क्लीन कर दूँ अच्छे से। ये हो गया ठीक है। चलो अभी अपन ने फेंसिंग का काम तो पूरा कर दिया है भाई, इसको करने में क्लीन करने में बहुत टाइम लग चुका है ऑलरेडी।
अभी देख रहे हो ये पाथ वाला काम सबसे लास्ट में करूँगा क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा लंबा काम होने वाला है इस गेम के अंदर, इसलिए। सो यहाँ अभी जो इस वाली मशीन को साफ़ करते हैं सबसे पहले, तो आ जाओ भाई तेरी बारी आ चुकी है अभी। ये जो जल्दी काम हो जाएंगे ना उनको पहले निपटा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ईजी हो जाएगा ना अपने लिए, इसलिए। एंड इसको भी क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर। चलो ये क्लीन हो चुकी है, इसको भी यहाँ से चमका देता हूँ। लेट के करना पड़ेगा इसका काम तो, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है ये भी। चलो भाई देख रहे हो शाइन मार रही है लेकिन अब तो। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये इधर कर दिया। एक सेकंड, लेकिन चमक क्यों नहीं रही है भाई, ये चमक क्यों नहीं रही भाई। अबे शाइन, अबे एक मिनट कुछ। अच्छा रुको रुको, बहुत मिट्टी बची हुई है भाई इसके ऊपर, तो हद से ज़्यादा मिट्टी बची हुई है भाई। ये देख रहे हो हालात, देख रहे हो उसके तुम। रुको रुको, मेरे को इससे करना पड़ेगा इसको साफ। हाँ इससे करना पड़ेगा इसको। ये हो गया, इसका टायर तो आई थिंक क्लीन हो गए ना मेरे हिसाब से, टायर तो हो गए शायद से। रुको रुको, खड़े होते हैं वापस, लेट्स सी क्या बचा हुआ है इसके अंदर भाई। एंड यहाँ की दीवार, एक सेकेंड, ये हो गया इधर। हाँ और कुछ बचा है क्या इसके अंदर वैसे? आई थिंक क्लीन हो चुका है ऊपर तो, क्योंकि सारा क्लीन दिखा रहा है इसलिए। एंड यहाँ पर प्रेशर चेंज करते हैं वापस से। चलो इसको वापस क्लीन करना शुरू करते हैं यहाँ पर। ये क्या है वैसे, वॉशरूम आई थिंक मेरे हिसाब से तो। चल इसको क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ये भी थोड़ा इजी है, ये वाला भी कर लेंगे अपन आराम से। वेल मेरे को इस गेम के अंदर एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि जो ज़्यादा गंदी हो रखी है ना इस तरह से, उसको जो है इस वाले से क्लीन करना है, और जो बाकी तो अपन आराम से कर सकते हैं किसी भी उससे। कोई बात, देखने तो कितना हो गया, ये भी क्लीन हो चुका है। अभी ऊपर का पार्ट बचा हुआ भाई यहाँ पर, ठीक है। ये तो ईजी है ये वाला तो, चलो अपन जो है ना नॉर्मली भी कर सकते हैं किसी भी उससे। ये तो देख सकते हो तुम लोग, बहुत ईजी है ये वाला पार्ट तो। लेकिन इसके अंदर जो बाहर ऐसी जो मोटी मोटी वाली गंदगी बचती है ना, इसको साफ़ करने के लिए अपने को पतला वाला प्रेशर यूज़ करना पड़ता है। रुक जाओ मैं तुम लोग को दिखाता हूँ भी क्या सीन है इसका। इससे तुम लोग देखोगे ना साफ़ नहीं होता इससे जल्दी, इससे जल्दी साफ़ होता ही नहीं एक्चुअली में। ये देख लो बचा हुआ है पूरा का पूरा, ऐसा ना जंग खा के बैठा रहेगा वो, ऐसे हटेगा ही नहीं वहाँ से उसके लिए। चलो अभी, अरे व्हाट हो गया ये तो, लॉल हो गया भाई मेरे साथ में। ओके तो सबसे पहले चीज़ जो मेरे को करनी है ना भाई, ये वाला जो स्टूल है ना इसको उठाने का है, इसको रखने का है यहाँ पर। एंड इसको प्लेस करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं अभी। ये ऊपर का पार्ट बचा हुआ इसका, ठीक है। चलो इसकी बारी आ चुकी है अभी। एंड सबसे जो बढ़िया वाला है ना इसको निकालते, रुक जाओ आराम आराम से, जो कुछ नहीं करने का है बस ऐसे आराम आराम से क्लीनिंग करनी है बस, दैट इज इट। आराम आराम से चलते रहो इसके ऊपर। ये टूट नहीं जाएगा आई डोंट थिंक, टूटेगा तो नहीं वैसे। चलो इधर का क्लीन कर दिया मैंने, एंड अभी इधर का बचा हुआ, रुको ऐसे ऊपर ऊपर से पिचकारी मारनी है बस। ये देख रहे हो कैसे डिटेलिंग है भाई, पूरा गीला जो हो रहा है भाई उस तरह से एकदम रियल में। नाइस नाइस नाइस। चलो इसको भी क्लीन कर देते हैं इधर, एंड यहाँ से पिचकारी मारते हुए इधर लेके चलते हैं। इधर का भी कितना बचा हुआ है बस में। ओके तो देखो अभी जो है ना ये वाला गंदा हो, आई मीन साफ़ होता नहीं है, तो इसको साफ़ करने के लिए अपने वैसे करना पड़ता है। इसको भी साफ़ कर देता हूँ यहाँ पर। एंड ये कैसे बचा हुआ है बे। चलो इसका भी मैंने क्लीन कर दिया है। ये हो गया इधर, इधर का हो चुका है। रुको ये वाला निकालते हैं ज़रा इसके लिए, आई थिंक अभी क्लीन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। रुको हाँ अभी नीचे, अच्छा मेरे को लेट के करना पड़ेगा ये वाला साफ भी। ओके ओके ओके, ये हो चुका है अभी। एंड नीचे का इधर का बचा हुआ है, ठीक है। इधर का बचा हुआ है, हो गया। और क्या बचा है भाई, अभी क्लीन तो कर दिया मैंने इसको पूरा शेड। अच्छा रूफ़ बचा हुआ है, रुको भी थोड़ा बहुत तो बचा हुआ है कहीं ना कहीं तो। ओके आई थिंक ये वाला जो काम है ना इसका भी शेड रूफ भी पूरा हो चुका है। और फाइनली भाई तुम लोग देख सकते हो ये कितना ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, और अभी इसको कितना जो है चमका दिया मैंने। लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी करने को भाई साहब, मैं तो उसको बावड़ा हो जाऊँगा करते करते। लेकिन ईजी है यार, ज़्यादा टफ भी नहीं है, अपने को कुछ नहीं करना, एक जगह खड़े होकर बस सारा काम करना है, दैट इज़ लाइक वेरी ईजी। चलो यहाँ खड़े हो जाते हैं, और जो है बस अपने कुछ नहीं करने का, ऐसे पिचकारी मारने का, दैट इज़ इट। बस थोड़ा घूमना पड़ता है इधर उधर क्योंकि ऐसे साफ होता नहीं अदरवाइज से। यहाँ पर मेरे को काफ़ी देर तक पिचकारी मारनी पड़ती है अगर मैं ये वाला यूज़ नहीं करता तो। चलो ये अभी यूज़ कर देता हूँ। ये इधर का क्लीन हो चुका है, इधर का भी हो जाएगा, पूरा गीला कर दिया भाई मैंने इसको। इसको भी साफ कर देते हैं, ये हो जाएगा। एंड यहाँ से चलो इधर का सामने का तो हो चुका है अभी, रुको ज़रा इसको लेके चलते हैं यहाँ से साइड बाय साइड, इसको मारते हैं यहाँ से। एंड इसको भी इजीली कर देंगे अपन पूरा, दैट इज़ नाइस। बहुत आसानी से अपन जो इसका काम कर पा रहे हैं यहाँ पर, नाइस। एक चेयर आई मीन सीट जो थी वो दोनों सीट हो चुकी है अभी, नाइस। अपने कुछ नहीं करने का भाई, इस वजह से तो बल्कि ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये देख रहे हो बहुत आराम से हो जा रहा है।
देखो थोड़ा लेट के करना पड़ेगा, नीचे बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है जगह। इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लीन, एंड ये हो गया इधर का, ये हो गया इधर का, इधर का चमकाना, बस हो गया साफ। अभी भी नहीं हुआ, एक मिनट कितना बचा हुआ है भाई ये भैंस क्या किसकी। सारा तो काम तो बढ़ते जा रहा, ओ हो गया। आई थिंक सोफे का काम हो चुका है मेरे हिसाब से। हाँ स्विंग सोफ़ा का काम हो गया, लेकिन इसका जो जिस पर लटक रहा है ना उसका थोड़ा काम करना पड़ेगा। रुक तो इसके लिए आई थिंक ये वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यस ये वाला ज़्यादा बढ़िया है इसके लिए। एंड यहाँ से क्लीनिंग करना शुरू कर देने का, यहाँ से नीचे से कुछ पूरा का पूरा पुचकारी मार रही है भाई। यहाँ पे मैंने सोफे को भी पूरा का पूरा जो चमका दिया है भाई साहब। कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके अंदर काम करने में। एक मिनट इसमें मिट्टी कैसे बची हुई है भाई। ओह अच्छा बचा हुआ है थोड़ा बहुत और भी। रुको थोड़ा साइड साइड भी बचा हुआ है इसके अंदर। थोड़ा छोटा वाला जो पिचकारी है ना उसको पेलता हूँ। ओके हो गया। अभी तक सिर्फ एक स्टार पूरा हुआ है भाई। लिटरली मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्टार हुआ है अभी तक भाई। बहुत टाइम लगेगा इसमें तो। जय वाली गाड़ी साफ करते हैं भाई। हे डॉग बम्प्ड इनटू द पार्क वार्डन, ही डेफिनेटली नीड्स योर हेल्प। अरे तुम्हारी आ सकते साड़ो हेल्प चाहिए तुमको मेरी, इधर मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए बल्कि। है इसकी बहुत गलत सीन है इसमें तो। अकेले बंदा तो भाई इसके अंदर काम कर ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो भाई, बहुत ज़्यादा वो है इसमें। रुक जाओ ज़रा इसको थोड़ा और क्लीन कर दो अच्छे से। मैं कितना बचा हुआ है, चलो ये भी गाड़ी चेयर मैंने साफ कर दिया, आई मीन सीट साफ कर दी है। इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। एंड अंदर ना ये वाली पिचकारी पेलनी पड़ेगी भाई इसकी, ऐसी की तैसी। ये गाड़ी ख़राब ना हो जाए बस, साला मेरे ऊपर इल्ज़ाम ठोक दे भाई तू। बच्चे की गाड़ी ख़राब कर दिया, पैसे काटूँगा। ओके हो गई आई थिंक मेरे हिसाब से टॉय कार भी क्लीन। या टॉय कार भी क्लीन हो चुकी है। एंड यहाँ पे ये क्या ग्रिल है क्या। यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना, बस अपने को पिचकारी मारनी है। ये भाई बारबेक्यू वाले में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लिटरली भाई। इसमें क्लीनिंग के लिए ना हर एक चीज़ हर एक चीज़ परसेंटेज वाइज करनी पड़ती है, तब जाके पूरा होता है इसके अंदर काम। चलो ये पूरा एकदम चमका दूंगा इसको भी। तुम लोगों को याद होगा कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा था भाई पहले ही, अभी तो जो है इतना मस्त कर दिया मैंने इसको। साला अभी मिट्टी बहुत ज़्यादा बची है लेकिन भाई कितना डर्ट है यहाँ पर। ये क्लीन कर देते हैं। चलो पहले वाले पिचकारी से कर रहा हूँ क्योंकि सर ना जल्दी जल्दी पिचकारी मार लेता हूँ, इसलिए आई मीन जल्दी जल्दी काम हो जाता है इसलिए। इसको कर देते हैं यहाँ पर। ये कर दिया इधर, ये हो गया इधर, कुछ नहीं करना ऐसे बस। ये ले भाई पिचकारी दे, ये ले जूं इधर करते काम। जो भाई होली पे ऐसे खेलता ना वही वाले काम कर रहा हूँ मैं अभी। इसको यहाँ से लेके जाना है कुछ इस तरह से। एंड ये क्लीन हो चुका है आई थिंक मेरे हिसाब से वाले पूरी जगह जो ना साफ कर दिया मैंने, बारबेक्यू पैटियो। और यस ये पूरा का पूरा मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पर एक बर्ड हाउस है जिसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। चलो यहाँ पर जो कुछ नहीं करने का, बर्ड हाउस में थोड़ी पिचकारी मार देता हूँ यहाँ पर। लेकिन वो बर्ड क्यों नहीं दिख रहा मेरे को भाई, इसकी हालत देख के तो बर्ड भी बोल रहा होगा भाई मैं नहीं रह रहा यहाँ पे। ज़रा इसको थोड़ा लेट के साफ करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। यस आई विल हैव टू, देख रहे हो पूरी डिटेलिंग है भाई, नीचे तक पूरा एकदम साफ सफाई करनी पड़ती है, पीछे से लेकर नीचे तक पूरा एकदम अच्छे से। अभी पीछे भी बचा हुआ है इसका मेरे लग रहा है ना सबसे, इसी वजह से जो अभी क्लीन नहीं हुआ है। इसके बाद में यहाँ ओ ये अभी जो है इसको पूरा करेंगे। रुक जाओ भाई कितनी देख रहे हो कितनी मिट्टी है, अभी भी मिट्टी बची हुई है भाई बहुत सारी। पहले नीचे का देख लेता हूँ, नीचे का तो मैंने क्लीन कर दिया है पूरा, बस यही बचा हुआ है। रुक जाओ इतना आराम से हो जाएगा, इसका तो कोई सीन नहीं है तो। बिल्कुल फुल्की चीज़ें हैं भाई ये सब तो, यूँ कर लेंगे अपन। क्या बचा हुआ है इसके अंदर, चलो ये हो गया पूरा हो गया। बर्ड हाउस का भी काम हो चुका है, बर्ड हाउस स्टैंड का हो चुका है, एंड दैट इज़ वेरी ईजी। ओके यहाँ तो कोई सीन नहीं है, बस ये थोड़ी साफ करनी है मेरे को। ओके सो दिस इज़ ईजी एज वेल, कुछ नहीं करना यहाँ पर, बस पिचकारी मारने को इस तरह से, दैट इज़ इट। ये भी पूरा हो जाएगा मेरा, ये वाला तो ईजी है बल्कि, यहाँ ये वाला ज़्यादा ईजी है, देखा बहुत ईजीली कर दिया। ओके सो यहाँ पर भी थोड़ा सा सीन है, पर ये भी काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं करना बस पिचकारी इस तरह से बस फेंक कर जानी है इधर उधर और क्लीन हो जाएगा अपना काम। भाई साहब ये देख रहे हो बहुत ईजीली अपन काम कर पा रहे हैं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है इसको साफ करने में यार। अगर मैं हल्का फुल्का भी पानी फेंक दूंगा शायद से मेरे हिसाब से साफ हो जानी चाहिए। ये नहीं हो रही है भैंस की, यहाँ किसकी कितनी डेट बच रही है भाई देख रहे हो। ओके फूलों के ऊपर पानी गिरा था, इस वजह से जो है साफ नहीं हो पा रहा था, सॉरी माई बैड गाइस। इसको इधर क्लीन कर देंगे इधर, एंड इधर का थोड़ा बचा हुआ है ये हो जाएगा क्लीन। तो साला पूरा ही लेके जाना पड़ेगा मेरे को खींच के एकदम। इसको हाँ हो गया इस साइड का तो हो गया। चलो ऊपर का ये बचा हुआ है जरा, ये हल्का सा बचा हुआ है, इसको कर दो एक बार मैं इसके भी मेरे हिसाब से। हाँ ये भी हो गया, नाइस। इधर का तो पूरा हो चुका है, ये बचा हुआ है। रुक जाओ पहले देखना तो कितना बचा हुआ है भाई। वो इधर का भी बचा है क्या, रुको इसको भी पहले पूरा कर लूँ मैं जरा।
ये तो इजी है, ये वाला तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस इधर उधर पिचकारी मार तो हो जाएगा अपने आप ही, मतलब अपने आप भी नहीं होगा, पूरा करना ही पड़ेगा वो तो। बट ज़्यादा इजी है वाला, तू ये इधर का कर देना, मतलब थोड़ा बहुत अच्छे खासा कर देना, उसके बाद में हो ही जाता है। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? हो गया। $330 मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है, लिटरली मेरे को इतना सारा काम करना पड़ रहा है सिर्फ $330 के लिए ब्रो, रियली मतलब यार ऑब्वियसली माजा $330 भी बहुत होते हैं ऐसे देखा जाए तो। चलो ये क्लीन कर देते हैं इधर, एंड ये वाला साउथ कैसे नहीं हुआ भाई? आई थिंक इधर से करना पड़ेगा मेरे को, पीछे की साइड से भी ना, हो गया। चलो नाइस, फ्लावर बेड वाला इसका काम तो हो चुका है, एंड यहाँ पर बचा हुआ रिटर्न चला है, इसको करते हैं सबसे पहले काम। ये तो आसान है, तो ईजीली हो जाएगा, इसको पूरा घुमाते फिराते हुए करना है यहाँ तक, ठीक। तो पूल क्लीनिंग सिमुलेटर जैसा है भाई, है ना? हाँ, इसमें भी पावर वॉश में भी वही सेम काम करना पड़ रहा है। ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये मैं जू बोल रहा था, ये फाउंटेन है एक्चुअली इसका। अच्छा ठीक है, जरा यहाँ पिचकारी मारनी पड़ेगी खतरनाक वाली, यहाँ कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है इस वाले पूल की तो भाई, आई मीन फाउंटेन की। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, टैब दबा के देख लेता हूँ, बहुत गंदगी हो रही है भाई, हद से ज़्यादा गंदगी हो रही है इस जगह पे तो। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा फाउंटेन साफ़ कर दिया है, तुम लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई करी है मैंने, और ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ का पैटियो है या फिर जो बांध है, इसको भी मैंने पूरा का पूरा साफ़ कर दिया। और यहाँ पे पता है क्या, एक एक स्टोन मेरे को जो है ना साफ़ करना पड़ा भाई, लिटरली बहुत टाइम लग गया इसमें। और अभी मेरे पास मेरे को मिलने वाले हैं $527, लेकिन ये अभी जो है ना ये बचा हुआ भाई, ये पूरा करना, उसके बाद में मेरे को पूरे पैसे मिलने वाले हैं। सो इसको भी करने में भाई बहुत टाइम लगने वाला है। ये है क्या? अच्छा, गार्डन की टेबल वगैरह, ठीक है, इसको भी यहाँ पे क्लीनिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो भी नाश्ता पानी करना रहता है ये भी खा लेते हैं ये लोग भाई। इसको भी साफ करना पड़ेगा भाई, कितना ज़्यादा काम है भाई इस जगह पे। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, काम इजी है भाई, बहुत कुछ सीन नहीं, एक जगह खड़े होकर सारा काम कर सकते हो, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसलिए। सो यहाँ पर बैठे बैठे बस यही करना है तुम लोगों को, स्प्रे मारना है हर एक जगह पे बस, दैट इज इट। एंड यहाँ पे बाकी जो है, रुक जाओ सेकंड जरा, यहाँ पे हमारी जॉब कंप्लीट हो चुकी है। डॉग कॉल कैल हेयर, आई हैव गॉट अ जॉब फॉर यू ओवर एट माय फॉक्स बंगलो, एंड व्हेन यू कैन फिट इन। भाई रुक जा, अभी काम हुआ है, अभी रुक जाओ, $600 मेरे को इसके मिल चुके हैं, एंड 5 स्टार भाई पूरा क्लीन किया अभी। पता है लिटरली तीन इसमें चीज़ें आई यहाँ पे, मैं इसका ये वाला क्लीन करना भूल गया था, और ये जो फेंस की टॉप है ना यहाँ पे बच चुकी थी, इसको भी क्लीन किया मैंने दोबारा, और यहाँ पे एक स्टोन मिसिंग हो रखा था, मतलब स्टोन क्लीन नहीं किया था मैंने, तो वो भी मेरे को दोबारा क्लीन करना पड़ा। वेल गाइस, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, पहले अगर तुम पीछे वीडियो को पीछे करके देखना और अभी का गार्डन चेक करना, ये गार्डन कितना ही ज़्यादा कूल और मस्त लग रहा है भाई, पहले से एक नंबर का। चलो गाइस, आज की जो जॉब थी अपन ने पूरी कर दी, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से अपन ने काम किया है पूरा, ऊपर चढ़ चढ़ के एंड ऑल। ये शॉर्ट में दिखा देता है ना पूरा जो भी अपन ने काम वाम किया रहता है ना, देखो मैं इसके ऊपर भी चढ़ा था और देखो ऊपर भी चढ़ा वो, नाइस। इसके मेरे को वैसे $600, एक सेकेंड, $600 मेरे पे टोटल हुए हैं, 450 ही मिले हैं यार इसके तो, ये तो गलत सीन है। और यहाँ पर क्लीन द बंगलो, क्लीन द प्लेग्राउंड एंड क्लीन द डर्ट बाइक, यहाँ पे नए नई जॉब्स आ चुके हैं जिसमें पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है मेरे को। एंड स्टोर में जाके तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी एक मीडियम ड्यूटी में, लेकिन लेवल 15 चाहिए इसके लिए भाई, अभी तो सिर्फ आई थिंक 10 ही पॉइंट हुए मेरे। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी खरीद सकता हूँ मैं, दैट इज़ नाइस। ग्लव्स खरीद सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्लोथिंग में क्लीन लिक्विड्स खरीद सकते हैं, अभी हमारे बहुत काम आएंगे सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर जो है मस्त मस्त वाले जो नोज़ल है वो भी मिलेंगे, ताकि अपने काम जो है ना थोड़ा जल्दी जल्दी हो सके इसलिए। वेल गाइज, आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं, आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, अगर मज़ा आता है नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।